महाराष्ट्र के अहमदनगर हिंसा का नया वीडियो भी सामने आ चुका है। उपद्रवियों की पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है। किस तरह से उत्पात मचाया गया, उपद्रवियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया। हाथों में डंडे लेकर आए उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। ये देखिए वीडियो, 14 मई की रात को अहमदनगर में जो हिंसा हुई थी, इसका सीसीटीवी सामने आ चुका है। और देखिए, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं सड़कों पर और इस तरह पत्थरबाजी करते हैं। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि उपद्रवियों की पहले से प्लानिंग थी, इतनी बड़ी तादाद में कैसे एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, पत्थरबाजी को अंजाम दिए जाते हैं और हाथों में इनके डंडे हैं। क्या योजना थी, किस तरह की प्लानिंग थी, माहौल कैसे खराब करना था, ये सब कुछ उपद्रवियों को पता था। तो देखिए, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उपद्रवियों के हाथ में पत्थर नजर आ रहे हैं, डंडे नजर आ रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी हुई और अहमदनगर का जो अमन चैन है उसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंसा के बाद खासा तनाव है। हालात हालांकि नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, भारी संख्या में पुलिस बल इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। दो समुदायों के बीच झड़प के बाद जमकर यहां पर आगजनी हुई थी। संभाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ था। तनाव के बाद घरों से निकलने में लोगों को दहशत महसूस हो रही है, ये इस वक्त स्थिति हो गई है। एक शोभा यात्रा निकलती है, उसमें नारेबाजी की जाती है, जवाब में दूसरी तरफ से नारेबाजी की जाती है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कानून व्यवस्था के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता है। अब जो हिंसा हुई है उसके बाद कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द उपद्रवियों की धरपकड़ की और हालात को पूरी तरह से काबू में करने की। और अहमदनगर में जहां हिंसा हुई वहां अभी भी दहशत का माहौल है। उपद्रवियों ने गाड़ियों, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की। अहमदनगर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दंगाई जब मुंह पर नकाब बांध कर गलियों में हाथों में लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे तो जितनी भी गाड़ियां गलियों में पार्क थी उन तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ऐसी एक गाड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, इस गाड़ी के तमाम जो कांच है वो पत्थर मारकर तोड़ दिए गए हैं। एक भी कांच यहाँ पर आपको सही सलामत गाड़ी के आगे से लेकर पीछे तक बगल की में जितने भी ग्लास थे सब तोड़ दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए पत्थर कितने बड़े बड़े पड़े हैं। ये पत्थर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी हुई है और इसके चलते जो हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश दंगाइयों की तरफ से की गई है। गाड़ी के आगे का हिस्सा आप देखिए, गाड़ी के आगे के हिस्से पर भी पत्थर फेंके गए हैं। पूरी तरह से गाड़ी को डैमेज कर दिया गया है। और इस तरह की तस्वीर सिर्फ एक गाड़ी की नहीं है, हालांकि पुलिस ने बाद में उन तमाम गाड़ियों को स्थानीय लोगों से बातचीत करके हटा लिया, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि दंगाई जो है यहां पर पहुंचे थे वो हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर घूम रहे थे और अलग अलग गलियों में घूम घूम कर जो गाड़ियां पार्क थी उनको निशाना बना रहे थे, दुकानें जो थी उनको निशाना बना रहे थे। आप देखिए ये पीछे का हिस्सा है, पूरी तरह से जो गाड़ी का कांच है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दंगाई थे उनका स्वरूप क्या था, वो क्या चाहते थे, उनकी सोच क्या थी। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, सेवगांव, अहमदनगर।